Hey guys, this is Kuldeep and you are watching UPSC Live. So, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे कोल्ड वेव के बारे में, because IMD जिसको हम बोलते हैं इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, उसने बोला है कि दिल्ली की जो मिनिमम टेम्परेचर है वो बहुत ही जल्दी वो ड्रास्टिकली काफ़ी कम समय में 10 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया, जो काफ़ी कम है, जो कि अभी अक्टूबर का महीना चल रहा है। सो इसी चीज़ को देखते हुए IMD बोला है कि अगर ऐसी चीज़ें सेम डे पर और रहती गई तो IMD उसके बाद उसको कोल्ड वेव डिक्लेयर कर देगा। इस लेक्चर में हम देखेंगे आखिर कोल्ड वेव क्या होती है एंड जो दिल्ली का जो मिनिमम टेम्परेचर है जो इतनी जल्दी ड्रॉप हो गया, इतनी जल्दी गिर रहा है, कम हो रहा है, उसके हमने बारे में जाने आगे ऐसा क्यों हो रहा है और कोल्ड वेव के बारे में जानेंगे इस लेक्चर में। देन इसके बाद अगर आपने UPSC लाइब्रेरी को सब्सक्राइब करना चाहते हो तो आप UPSC लाइब्रेरी को टेलीग्राम, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। लिंक्स वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई हैं। सो एज पर द मिनिमम टेम्परेचर इन दिल्ली ड्रॉप टू 10 डिग्री सेल्सियस ऑन नवंबर 3 को दिल्ली का जो टेम्परेचर है वो -10 डिग्री तक हो गया था, मतलब 10 डिग्री पहुंच गया, वो काफ़ी कम है। इस सीज़न के हिसाब से वो काफ़ी कम है। सीज़न द लोएस्ट सो फार। सो इसी चीज़ को देखते हुए जो इंडियन मेट्रोलॉजी का डिपार्टमेंट जिसको हम IMD बोलते हैं, उसने बोला है कि इट विल डिक्लेयर ए कोल्ड वेव, वो कोल्ड वेव को डिक्लेयर कर सकते हैं इफ़ द सिचुएशन परसिस्ट फॉर एनदर डे। अगर यही सिचुएशन अगले दिन के लिए या सेम दिन के लिए सेम रहती है तो वो आगे इसको कोल्ड वेव डिक्लेयर कर देंगे बिकॉज ऑफ 10 डिग्री सेल्सियस ये टेम्परेचर काफ़ी जल्दी नीचे गिरा है। सो द वेदर डिपार्टमेंट ऑल्सो सेट द मंथ ऑफ नवंबर, उन्होंने बोला है कि जो नवंबर का महीना है वो बाकी सालों से परीक्षा में जो लास्ट के 4 to 5 ईयर के कंपेयर में देखा जाए वो काफ़ी ठंडा है। सो ये वेदर डिपार्टमेंट का बोलना है। देन इसके बाद जो नेशनल कैपिटल है अपने उसका जो मिनिमम टेम्परेचर है वो काफ़ी जगह से काफ़ी कम है, लाइक जो नॉर्थ में जो है डलहौजी हो गया, डलहौजी का टेम्परेचर 10.9 डिग्री सेल्सियस, वो काफ़ी कम, उससे भी काफ़ी कम है। देन धर्मशाला का टेम्परेचर हो गया, ये काफ़ी ठंडी जगह है। सो उनकी कंपेयर में भी दिल्ली का टेम्परेचर वो काफ़ी कम था, दिल्ली का 10 था और डलहौजी का हो गया 10.9 हो गया, धर्मशाला का 10.6 था एंड जो मंडी हिमाचल प्रदेश में उसका 10.2 था। सो ऑन मसूरी 10.4 था। सो इन जगहों से भी कम था दिल्ली का टेम्परेचर। सो इसी चीज़ की वजह से IMD ने बोला है कि अगर सेम डे सिचुएशन सेम रही तो वो कोल्ड वेव डिक्लेयर कर सकते हैं। कोल्ड वेव क्या होती है? कोल्ड वेव का मीन्स है द रैपिड फॉल इन द टेम्परेचर विद इन द 24 आवर, मतलब 24 आवर्स में रैपिड फेल, मतलब किस टेम्परेचर में अगर तेज़ी से गिरावट आती है और वो 10 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाती है तो वो जो और ये जो चीज़ है और ये टेम्परेचर एक दो दिन तक सेम रहता है तो उसको कोल्ड वेव डिक्लेयर कर सकते हैं IMD। और ये चीज़ कौन डिक्लेयर करता है? IMD, जिसको हम बोलते हैं इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। इस इमेज को देखिए, ये इमेज जनवरी के मंथ का टेम्परेचर को शो कर रहा है। जनवरी के मंथ में जो इंडिया में नॉर्थ इंडिया वहाँ का जो टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस होता है, ये टेम्परेचर जनवरी के मंथ का होता है। बट जो अभी जो नवंबर का महीना चल रहा है, नवंबर का 3rd नवंबर चल रहा, थर्ड नवंबर में ये टेम्परेचर 10 डिग्री तक पहुँच गया। इसी चीज़ की वजह से नवंबर के महीने भी 10 डिग्री तक पहुँच गया। इसी चीज़ को देखते हुए IMD ने कोल्ड वेव डिक्लेयर करने का फैसला अभी लिया नहीं है, लेकिन वो सोच रही है कि अगर सिचुएशन सेम रहती है तो अगर नेक्स्ट दिनों में तो इसी चीज़ को देखते हुए वो कोल्ड वेव डिक्लेयर कर सकती है। देन इसके बाद कोल्ड वेव को डिक्लेयर करने की कंडीशन क्या होती है, इसको जान लेते हैं। प्लेन्स और कोस्टल सिटीज़ में कोल्ड वेव को डिक्लेयर करने की अलग अलग कंडीशन होती हैं। प्लेन्स में जो मैदानी भाग होते हैं वहाँ पर कोल्ड वेव डिक्लेयर करने की क्या कंडीशन होती है? अकॉर्डिंग टू द IMD, बिकॉज ये IMD ही सब चीज़ें डिक्लेयर करती है, देखना पड़ेगा कि IMD किस कंडीशन पर वो चीज़ें डिक्लेयर करती है। अकॉर्डिंग टू द IMD डिक्लेयर कोल्ड वेव व्हेन द मिनिमम टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस और लोअर। वहाँ का जो टेम्परेचर जो प्लेन्स में वहाँ का जो टेम्परेचर 10 डिग्री या उससे कम जाता है तो वहाँ के वेदर को वो कोल्ड वेव डिक्लेयर कर सकती है। ये है प्लेन्स के बारे में। एंड द कोस्टल रीजन में भी सेम है, बट अगर वहाँ के लोगों को
और वहाँ के लोगों अगर उस फील्ड लोगों को डिस्कम्फर्ट फील होने लगा या वहाँ के जो विंड के अकॉर्डिंग चल रही है तो उस रीजन को भी वो कोल्ड वेव डिक्लेयर कर सकती है। सो ये चीज़ें आप याद रखना, ये पूछी जा सकती हैं। सो इन सब के रीजन क्या हो सकते हैं कोल्ड वेव या इतनी जल्दी, मतलब नवंबर के मंथ में ही विंटर इतनी जल्दी स्टार्ट होना है। सो इसके कुछ काफ़ी सारे रीजन है। पहला रीजन एक हो गया कि एब्सेंस ऑफ द क्लाउड ओवर इन द रीजन। सो क्लाउड मतलब जो बादल होते हैं अगर उनकी एब्सेंस होगी सो उन एब्सेंस की वजह से वो हीट को एक जगह रोक नहीं पाते। सो स्काई ओवर द सिटीज ड्यूरिंग द नाइट हैज़ बीन क्लियर। सो नाइट में जो रात में जो नाइट जो होते हैं स्काई वो क्लियर होते हैं बिकॉज ऑफ क्लाउड नहीं होते। सो क्लाउड नहीं होंगे जो जो एयर एक देखिए सो दोपहर में जब सन निकलता है सो इनकी जो हीट होती है वो हीट सड़क जो होती है या जो कंक्रीट होती है वो उसके द्वारा एब्जॉर्ब की जाती है, बट नाइट के टाइम में वही हीट वहाँ से जब निकलती है तो ऊपर की तरफ जाती है। सो अगर जब रात में जब वहाँ बादल होते हैं तो वो हीट को एक ही जगह पैक करके रखते हैं, बट जब रात में वो बादल नहीं होंगे तो हीट को पैक नहीं कर सकते और जो हीट है वो आगे निकल जाएगी। सो इसी चीज़ की वजह से वहाँ का जो टेम्परेचर है बहुत जल्दी कम हो रहा है। सो कम गिर रहा है और शार्पली गिर रहा है। सो इसी चीज़ की वजह से उस जगह का टेम्परेचर बहुत जल्दी गिर रहा है। देन इसके बाद स्नोफॉल इन द अपर हिमालय रीजन। और सो अपर हिमालय रीजन में स्नोफॉल होना, सो आप इस मैप को देखिए। सो जो अपर हिमालय का जो रीजन है सो ये रीजन है ना वहाँ पर स्नोफॉल का जल्दी जल्दी गिरना। सो यहाँ पर जब स्नोफॉल गिरेगी तो इसका जो इफेक्ट है वो नॉर्थ नॉर्दर्न इंडिया में जल्दी जल्दी आएगा। सो और दिल्ली यहाँ पर ही होता। सो दिल्ली के जो नॉर्थ में हिमालय हिमाचल प्रदेश हो गया ये सब वहाँ पर नॉर्थ वहाँ पर हिमालय आ जाए। सो इसी चीज़ को देखते हो अगर वहाँ पर बर्फबारी जल्दी स्टार्ट होगी तो नीचे के जो वेदर है वहाँ पर भी इफेक्ट पड़ेगा। सो ये भी एक इसका मेन रीज़न है। देन इसके बाद सो डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ कोल्ड एंड ड्राई एयर क्लोजर टू द सर्फेस। सो मतलब जो कोल्ड और ड्राई एयर है सो अगर वो नीचे आएंगी तो वो एयर पैक हो जाएंगी। सो इसी वजह से वो एयर जो पैक हो जाएंगी तो इस चीज़ को देखते हुए वहाँ पर जो वहाँ का जो टेम्परेचर और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। सो ये भी वन ऑफ द मेन रीज़न होगा कोल्ड वेव आने का या वहाँ पर ठंडी और जल्दी आने का टाइम से पहले आने का। देन इसके बाद अकॉर्डिंग टू द महेश पहलावत जो कि एक क्लाइमेट एक्सपर्ट है एट द स्काईमेट वेदर जो कि एक प्राइवेट फोरकास्टिंग एजेंसी है, याद रखना स्काईमेट वेदर जो कि प्राइवेट फोरकास्टिंग एजेंसी है मतलब पहले से ही वेदर के बारे में बताती है। सो उनका कहना है कि एब्सेंस ऑफ द स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो होता है मतलब मेडिटेरेनियन सी के होते हुए जो आता है इंडिया की तरफ उसको बोलते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। जो विंटर में जो नॉर्दर्न इंडिया में जो रेन गिराता है जो रेन जिसकी वजह से रेन होती है उसको बोलते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। सो उनके अकॉर्डिंग महेश पहलावत के अकॉर्डिंग एब्सेंस ऑफ द स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस विच कॉज ह्यूमिड विंड्स टू ब्लो इज ऑल्सो ए रीजन। मतलब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की बात है जब हवा चलती है तो वो ह्यूमिड विंड है उनको ब्लो करते हैं। सो जब वो ब्लो करेंगे तो वहाँ का टेम्परेचर थोड़ा इंक्रीज होगा, बट जब वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से जब उनकी जब एब्सेंस है मतलब जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अभी तक आया नहीं तो उनकी वजह से वो हवा नहीं चली। सो जो वहाँ की जो हवा है दिल्ली एरिया की या एनसीआर रीजन की तो वहाँ की जो हवा है वो एक ही जगह इकट्ठी हो गई है। सो वो हवा एक ही जगह इकट्ठी होने की वजह से वो ठंडी हवा कोल्ड वेव की वजह से वहाँ का टेम्परेचर इसी वजह से और इंक्रीज हुआ है। सो जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है वो लेट हो रहा है। सो इसी चीज़ को देखते हुए उन्होंने बोला है कि एब्सेंस मतलब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से जो उसका एब्सेंस की वजह से ये कोल्ड में जो टेम्परेचर है कोल्ड का वो काफ़ी ज़्यादा है और कम समय में हो रहा है। सो ये भी एक वन ऑफ द मेन रीज़न होगा अकॉर्डिंग टू द महेश पहलावत जो कि स्काईमेट वेदर के क्लाइमेट एक्सपर्ट हैं। देन इसके बाद इस चीज़ का इफेक्ट क्या होगा, बिकॉज अगर कहीं किसी रीजन में वेदर अनयूजल होता है तो वो वहाँ के वो एग्रीकल्चर सिस्टम पर भी काफ़ी इफेक्ट करता है। सो ऐसे ही इसका इसका ही कोल्ड वेव का इफेक्ट पड़ता है। सो कोल्ड वेव का क्या इफेक्ट पड़ेगा, सो जो कि जब किसी रीजन में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आता है तो वो अपने साथ वो विंटर में मानसून लेकर आता है। सो जो मानसून जो रेन होती है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के बाद में जो वो रेन वो काफ़ी सारी क्रॉप के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। ऐसे ही जो वहाँ की जो रेन होती है विंटर में होती है वो रबी क्रॉप के लिए काफ़ी यूजफुल होती है, रबी क्रॉप में आ जाते हैं वीट वगैरह। सो अगर जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस लेट हो जाएगा तो ये जो क्रॉप है उनको काफ़ी इफेक्ट पड़ेगा। सो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जब लेट हो जाएगा तो इन क्रॉप पर जो इफेक्ट पड़ने की वजह से वहाँ पर फूड की क्रॉप फेल हो जाएगा या फूड
फूड सिक्योरिटी, जो फूड सिक्योरिटी वो फेल हो जाएगी, और वाटर प्रॉब्लम के भी वाटर प्रॉब्लम्स भी आने लगेंगे, बिकॉज जब रेन ही नहीं होगी तो वहाँ पर वाटर प्रॉब्लम आने, और जब वाटर प्रॉब्लम आने लगे तो जो क्रॉप है वहाँ का फेलियर होने लगेगा, जो क्रॉप ढंग से नहीं आएंगे, जब क्रॉप फेलियर हो जाएगा तो वहाँ की फूड सिक्योरिटी होने लगेगा। सो एक तरीके की चेन बन जाएगी, सो इस चीज़ को याद रखना। सो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अगर लेट होगा तो रेन नहीं आएगी, रेन अगर नहीं आएगी तो वहाँ पर वाटर प्रॉब्लम होने लगी, जब वाटर प्रॉब्लम होने लगे तो वहाँ पर क्रॉप ढंग से ग्रो नहीं होंगे, जब क्रॉप ढंग से ग्रो नहीं होंगी तो वहाँ पर फूड की प्रॉब्लम होने लगेंगी। सो ये एक तरह की चेन स्टार्ट होने लगेंगी। सो ये काफ़ी क्रिटिकल रोल प्ले करती है। सो इन सब चीज़ों के बारे में सब इसमें और पढ़ना पड़ेगा इंडियन मेट्रोलॉजी IMD के बारे में, बिकॉज यही कोल्ड वेव को डिक्लेयर करती है। सो इंडियन मेट्रोलॉजी का डिपार्टमेंट आखिर ये क्या होता है, इसका हेडक्वार्टर होता है दिल्ली में। सो इंडियन मेट्रोलॉजी का डिपार्टमेंट इज एन एजेंसी, एक एजेंसी गवर्नमेंट की, और गवर्नमेंट की कौन सी एजेंसी, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस के अंडर आती है। सो इट इज़ द प्रिंसिपल एजेंसी रेस्पॉन्सिबल फॉर मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन, वेदर फोरकास्टिंग एंड सिस्मोलॉजी। सो ये इन सब चीज़ों को देखती हूँ। सो IMD को आप सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के साथ कंपेयर, मतलब उसको कन्फ्यूज मत करने, बिकॉज ये जो CPCB है वो एयर क्वालिटी के बारे में चीज़ें देखती है, और जो इंडियन मेट्रोलॉजी का डिपार्टमेंट IMD है वो वेदर के साथ देखती है, बिकॉज अभी जो दिल्ली का जो वेदर है वो काफ़ी एयर पॉल्यूशन है, तो दोनों इस टाइम में IMD प्लस CPCB दोनों वर्क कर रही हैं। सो ये आप याद रखना। और जो CPCB है वो किसके अंडर आती है, वो CPC आती है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर आती हैं। सो ये दोनों में एक डिफरेंट पॉइंट है, वो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंदर आती है, और ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर आती है। और जो CPCB है वो इस्टेब्लिश हुई थी 1974 में अंदर द वाटर एक्ट 1974, वाटर एक्ट के अंडर इसको इस्टेब्लिश किया गया था। सो इस चीज़ को याद रखना। सो अगर आपने UPSC लाइब्रेरी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब द UPSC लाइब्रेरी एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। धन्यवाद।